कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। कि आज हम लेक्चर नंबर 4 में एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस और लेक्चर है 4। लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में, लास्ट 3 लेक्चर्स में जो भी कुछ डिस्कस किया, मैंने उसको लास्ट क्लास में पूरा डाउट्स एक्सप्लेन किया था। और हम इंडिफरेंस पॉइंट तक, पिछली क्लास में इंडिफरेंस पॉइंट तक पहुंच चुके थे और मैंने क्वेश्चन नंबर 10th भी करा दिया था और 6th भी करा दिया था। फिर मैंने कहा था जी आप होमवर्क करके आइएगा क्वेश्चन नंबर 7th का, 8th, 9th, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। और मैंने कहा था प्लीज ट्राई करेंगे, तो जब ट्राई करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो मैं आज की क्लास में मेनली क्या कराना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा आपको। तो पहले तो मैं आज ये 7th, 8th, 9th ये जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, 7th, 8th and 9th ये क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे, ये क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ, ये करवाऊंगा आपको, ये क्वेश्चंस कराऊंगा। और दोस्तों उसके बाद मैं 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और आगे एक नया कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों उसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। उस कंसेप्ट का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। इस कंसेप्ट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आइए जी हम पहले क्वेश्चन नंबर 7th को एक बार देख लें और मैं आपके सामने एक बार 7th क्वेश्चन को निकाल रखा हूं। आप देखें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7th में आपके लिए क्या लिखा है। CA, CS, CM में तीनों में आ चुका है कि ये क्वेश्चन। X कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 प्लांट्स। X कंपनी 3 प्लांट्स को कंसिडर कर रही है। टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट ऑफ 100 लाख्स, 100 लाख्स का जो प्रोजेक्ट है उसको वो फाइनेंस करना चाहती है। X कंपनी इज कंसिडरिंग 3 प्लांट्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट ऑफ 100 लाख्स। इसका मतलब उनको 16 लाख रुपए चाहिए। और डिफरेंट प्लांट्स नीचे दिए हैं, प्लान ए में 50-50, प्लान बी, प्लान सी, सेल्स फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स आर एस्टिमेटेड एट 100 लाख्स, 125 लाख्स एंड 150 लाख्स एंड 10% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज फोरकास्टेड टू बी अचीव्ड। और 10% का प्रॉफिट अचीव होगा, ठीक है जी। कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%। कंप्यूट ईपीएस इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर 3 ईयर्स। आराम से बेटे, क्वेश्चन आसान है लेकिन अलग ढंग का है। क्वेश्चन है आसान लेकिन अलग ढंग का है। तो आराम से क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, है इजी लेकिन अलग ढंग का है। बेटे फर्स्ट ईयर में आपको अलग से बताना पड़ेगा कौन सा प्लान अच्छा है, सेकेंड ईयर में अलग से बताना पड़ेगा, थर्ड ईयर में अलग से बताना पड़ेगा। इसका मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन है लंबा लेकिन है इजी मेरे बेटे। आइए हम एक बार देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 कहना क्या चाह रहा है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 वर्किंग नोट 1 बना रहा हूं जी। मैं यहां पे लिख रहा हूं ईयर 1। ईयर 1 में मैं ये चेक कर रहा हूं कि कौन सा प्लान बेस्ट है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 ईयर 1 में देख रहे हैं कौन सा प्लान बेस्ट है। फिर मैं देखूंगा जी ईयर 2 में कौन सा प्लान बेस्ट है, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। इसी तरह से फिर मैं चेक करूंगा कि ईयर 3 में कौन सा प्लान बेस्ट है,
प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री। बेटे मैं तीनों ईयर्स तो नहीं कराऊंगा, एक ईयर कराऊंगा जिसमें आपको पता चल जाए कि हमने ईयर टू में और थ्री में करना क्या है। इन सभी की प्लान्स की ईपीएस कैलकुलेट करेंगे बेटे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे मेरे बेटे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो आइए जी, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, तीन प्लान्स की बात कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है। क्वेश्चन सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इक्विटी एंड डेट, प्लान वन, प्लान टू। तो चलिए जी, मैं आपके सामने क्वेश्चन सेवंथ को शुरू कर रहा हूं। मेन आंसर आप कर भी चुके होंगे, फिर भी देख लीजिए। सिचुएशन वन, मैं सिचुएशन के लिए कर रहा हूं, सिचुएशन वन मतलब ईयर वन, इफ सेल्स लेवल इज, ईयर वन इफ सेल्स लेवल इज रुपीज 100 लाख, अगर सेल्स लेवल 100 लाख की है तो फिर कैसे करेंगे बेटे। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है, वो हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तीन प्रपोजल्स हैं, तीन प्रपोजल्स हैं, आराम से एक बार आप बनाइए और देखिए कि क्या तीनों प्रपोजल्स आपको दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लीजिए इसमें। बेटे तीन प्रपोजल्स तो दिए हुए हैं, बस आपको नंबर ऑफ शेयर्स में उसको चेंज करना था। जैसे 50 लाख है तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये बेटे 50,000 शेयर्स आ गए। और बेटे 8% डिबेंचर्स आ गए, बेटे ये 50 लाख। पहला प्रपोजल तो उसने दे ही दिया 1 करोड़ रुपए। दूसरा प्रपोजल है कि उसमें 34,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का बेटे, 100 रुपए का 34 लाख, और 8% डिबेंचर्स बेटे 66 लाख, ये 100 लाख का आ गया टोटल। अब तीसरा आ गया बेटे 25,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 25 लाख, 75 लाख, 100 लाख बेटे ये पहला।
स्टेप हो गया। अब चांस की बात है, इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर वन पहले से ही दिया हुआ था, स्टेप वन गिवन था, स्टेप वन गिवन था। अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर टू में। स्टेप नंबर टू में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बेटे सेल्स लेवल में 100 लाख का मान रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रपोजल वन, प्रपोजल टू, प्रपोजल थ्री, प्रपोजल वन, प्रपोजल टू, प्रपोजल थ्री, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे बेटे। सेल्स लेवल 100 लाख की है और बेटे ईबीआईटी 10% है, 100 लाख का, 100 लाख का, 100 लाख का 10%, 100 लाख का 10%। आप सोच रहे होंगे बेटे 100 लाख का तो 10 लाख आ गए बेटे, 10 लाख आराम से, 10 लाख रुपए ईबीआईटी आ गया। इफ सेल्स लेवल इज, इफ सेल्स लेवल इज, इफ सेल्स लेवल इज 100 लाख, इफ सेल्स लेवल इज 100 लाख देन ईबीआईटी इज 10 लाख लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट बेटे, इंटरेस्ट लेस करेंगे तो स्टेप नंबर वन में आ जाइए। 50 लाख, 50 लाख इंटू 8% बेटे 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 4 लाख रुपीज का इंटरेस्ट है, 6 लाख रुपए ईबीटी लेस टैक्स, टैक्स बेटे हम लेस करेंगे इसके बाद, और टैक्स देख लीजिए 50% है। ये आ गया जी ईएडी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख आ गया। आराम से कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, प्लीज कैलकुलेटर की हेल्प से करें। लेस, लेस बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, तो यही बन गया प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लीजिए 50,000, तो बेटे 50,000 लिख दिया तो ईपीएस निकाल दिया जी 6 रुपए, आंसर आ गया। पहली सिचुएशन में जब सेल्स 100 लाख है तो ईपीएस 6 रुपए, आपके सामने आंसर भी निकाल दिया। अगर है हिम्मत तो प्रपोजल टू और थ्री भी करके दिखाओ, आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया है, प्रपोजल टू और थ्री भी करके दिखाइए प्लीज, ईमानदारी से प्रपोजल टू और थ्री करें। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 8%, 66 लाख का 8% बेटे 5,28,000, 5,28,000, 5,28,000, 5,28,000, 5,28,000, ये आ गए जी 4,72,000, 4,72,000, और टैक्स आ गया जी, टैक्स आ गया जी 2,36,000, और अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,36, और बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 34,000, 34,000, ये बेटे मैंने कर भी दिया और आंसर भी आ गया 6 रुपए 94 पैसे, 6 रुपीज 94 पैसा, 6 रुपीज 94। कहते हैं जो कर्म करते हैं भगवान उनकी मदद करता है, आप कर्म कीजिए, प्रपोजल थ्री करके दिखाइए। आंसर लिखा हुआ मैंने 8 रुपए आना चाहिए, सिचुएशन वन के 3 आंसर्स हैं, फिर सिचुएशन टू के 3 आंसर्स हैं, फिर सिचुएशन थ्री के भी 3 आंसर्स हैं, तो इंटरेस्ट निकालिए, इसके बाद इंटरेस्ट निकालिए,
75 लाख का 8%, 6 लाख। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जी 6 लाख। 10 लाख में से 6 चले गए, बाकी कितने बच गए जी 4। 2 लाख का टैक्स हो गया, बाकी कितने बच गए जी 2 लाख। अब आप चेक कर लीजिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 25,000। 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, ये 8 आ गए बेटे। चेक कर लीजिए बेटे, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, वो हार से घबराते नहीं है, कोशिश करते हैं बेटे। कोशिश करने में ही जीत होती है। आप साइकिल चलाना आता नहीं था आपको जब आप ऊपर से नीचे आए थे बेटे, साइकिल चलाने के लिए कोशिश की थी आपने, आप बहुत बार गिर भी गए थे बेटे, फिर उठे थे, फिर गिरे थे, फिर उठे थे, और अचानक एक दिन आपका साइकिल में एक बैलेंस बनना शुरू हो गया था, याद कीजिए वो दिन। तो बेटे मैं भी तो यही बात बताने जा रहा हूं, हिम्मत करनी है। तो बताइए जी बेस्ट कौन सा है, बेस्ट तो ये, तो देखिए रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट, स्टेप थ्री रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइस्ड, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइस्ड टू एक्सेप्ट प्लान थ्री एज इट विल मैक्सिमाइज ईपीएस, एज इट विल मैक्सिमाइज ईपीएस, क्योंकि उससे ईपीएस मैक्सिमाइज होगी, अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगा। ठीक है जी, तो स्टेप थ्री कर लिया सभी ने, आइए इसी तरह से आपको बेटे सिचुएशन टू करना है। सिचुएशन टू क्या होगी, इफ सेल्स इज 125 लाख, और बेटे इसी तरह से सिचुएशन थ्री करना है, इफ सेल्स इज इक्वल टू 150 लाख्स। सिचुएशन टू, सिचुएशन थ्री, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों सिचुएशंस करें, आसान है, आंसर दिए हुए हैं, कर सकते हैं। मैं आता हूं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो मैं एक बार 8 में आ रहा हूं, ये 8 आपके सामने खोल दिया। 8 भी वैसे तो इजी था, आपने घर में किया होगा, लेकिन स्टिल इसमें प्रोबेबिलिटी की बातें दी हुई है, तो एक मिनट में दे रहा हूं, आप पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, अलॉय कंपनी हैज रिसेंटली रीऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8 था बेटे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी रिक्वायर्स 24 लाख्स टू एंटर द बिजनेस, 24 लाख रुपए चाहिए बिजनेस में एंटर करने के लिए। द कंपनी प्रेजेंटेड टू प्लान्स फॉर कंसिडरेशन। प्लान ए, 2 लाख इक्विटी शेयर 4 रुपए के और 16 लाख डेट एट 12%, 4 लाख इक्विटी शेयर 4 रुपए के, 8 लाख लोन एट 11%,
कंपनी करेंटली हैज 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। आज की डेट में इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स पहले से ही है और 11% का 4 लाख रुपए का लोन भी है। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुअर एवरेज गुड प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, ईबीआईटी गिवन है, टैक्स रेट 50% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईपीएस अंडर टू प्लान्स एट एन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ ईबीआईटी। आराम से बैठे फिर रिकमेंडेशन देनी है और फिर प्रॉबिलिटी की बातें हो रही है। मैं चाहता हूं पहले 1 मिनट लगाकर आप खुद पढ़ लें, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना बेटे, एक क्वेश्चन कम कर लेंगे, आराम से पढ़िए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बेटे, कोई बात नहीं, आपका साथ रहेगा बेटे, ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो 7 क्वेश्चन किए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या दिखता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं समय, एक बच्चे ने सही पहचाना, वो कहता है जी इस क्वेश्चन में ईबीआईटी में 3 तरह की बातें दी हुई है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है कि 12 लाख की ईबीआईटी हो सकती है तो उसकी 20% प्रोबेबिलिटी है, 14 लाख की ईबीआईटी हो सकती है उसकी 60% प्रोबेबिलिटी है, 15 लाख की ईबीआईटी हो सकती है उसकी 20% प्रोबेबिलिटी है, टोटल देखें अगर आप तो प्रोबेबिलिटी 100% है, टैक्स रेट इज 50%। You are required to calculate EPS under two different plans at an expected level of, underline कर दीजिए expected, अभी मैं बताऊंगा कि expected word क्यों लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पेपर के लिए बड़ा ही प्रीशियस है, कीमती है। अच्छा क्वेश्चन इसी बुक में से आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएंगे, इस बात को तो मैं पक्का बता दूं। क्वेश्चन नंबर 8 मेन आंसर, पहली बात नोट 1 लिखेंगे जी, जो घर के लिए है, पेपर में नहीं लिखना। वैसे नोट 1 मैंने नीचे भी लिखा हुआ, आप ध्यान से देखें मैंने लिखा हुआ है नोट 1, इनकेस प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर प्रोबेबिलिटीज दी जाए, इसको लिख लेते हैं, इन केस प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन, इन केस प्रोबेबिलिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन फॉर ईबीआईटी या किसी के लिए भी प्रोबेबिलिटी दी हो और फॉर एनी अदर वेरिएबल या किसी और वेरिएबल के लिए भी दी हो सकती है, देन इट इज बेटर टू कैलकुलेट, देन इट इज बेटर टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। तो ये ज्यादा अच्छा माना गया है कि हम इसकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकालें। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है बेटे, सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी, सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी। पी का मतलब क्या है बेटे, पी इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांस ऑफ अकरेंस, व्हाट इज अ चांस ऑफ अकरेंस, उसके होने की संभावना, उसके होने की संभावना बेटे, उसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, वेरिएबल के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो बेटे नोट 1 में मैंने ये बात बताने की कोशिश की कि आपको कभी भी अगर ईबीआईटी एक्यूरेट ना दिया जाए, एग्जैक्ट ना दिया जाए, आपको फ्यूचर का दिया हो,
तो बेटे फ्यूचर का ईपीआईटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका एक्सपेक्टेड निकालना चाहिए। ठीक है बेटे, नोट वन मैंने ये लिखा है। अब मैं पहले मेन आंसर में आ रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि मैं और क्या कहना चाह रहा हूं। लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 मेन आंसर। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग अल्टर नेटिव प्रपोजल्स, स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। बेटे प्लान ए है और प्लान बी है। प्लान ए और प्लान बी, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर्स है बेटे 4 रुपए के हिसाब से पहले प्लान में, या सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना चाहिए। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितने, 4 लाख, 4 लाख इक्विटी शेयर 4 रुपए के हिसाब से 16 लाख, और 11% लोन है बेटे, 11% लोन है 8 लाख, 8 लाख। अच्छा मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया बेटे, मैं दूसरी स्टेटमेंट बनाऊंगा, ये गलत है बेटे, ये ठीक नहीं है, मैंने प्रपोजल 2 का कर दिया बेटे। कोई बात नहीं, मैं एक नई स्टेटमेंट बना देता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं, गलती किससे नहीं होती बेटे, किससे नहीं होती गलती। स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, सिचुएशन ए या प्लान ए, प्लान टू, प्लान ए प्लान टू। बेटे यहां लिख रहा हूं मैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स है बेटे इंटू 4, मैं मान रहा हूं 4 रुपए का एक शेयर है 4 लाख, और बेटे 11% लोन है 4 लाख। बेटे 1 लाख शेयर्स है 4 रुपए के और 11% लोन है बेटे 4 लाख रुपए का। यहां लिख रहा हूं बेटे न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स बेटे। अच्छा ये तो दोनों में लिख देंगे, एग्जिस्टिंग तो दोनों में लिख देंगे, एग्जिस्टिंग तो दोनों में लिख देंगे, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 4 8 लाख एंड 12% लोन 16 लाख। बेटे प्लान बी, इसमें बेटे 4 लाख इक्विटी शेयर्स है 4 रुपए के हिसाब से 16 लाख, और बेटे 11% का लोन है बेटे यहां पर, 11% का न्यू लोन है, ये तो एग्जिस्टिंग था, तो 11% न्यू लोन बेटे कितना, बेटे 4 लाख आराम से। मैं तो कह रहा हूं जी टोटल कर लीजिए, कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी थोड़ी है, टोटल करिए जी 8 और 4 12 12 और 4 16 16 16 32 लाख, ये बेटे 32 लाख आ रहा है। अब यहां देख लीजिए 16 और 4 20 20 और 8 32, बेटे 32 लाख। पहला स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर दिया, स्टेप नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्टेटमेंट शोइंग अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अब मुझे चेक करना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट प्रपोजल कौन सा है। स्टेप 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूं, आप देख लीजिए प्लीज।
देख लीजिए प्लीज एक बार। ₹32,32,32,000 प्लान वन का टोटल है और प्लान टू का भी टोटल ₹32,00,000 है। अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर टू में। स्टेप नंबर टू हेडिंग लिखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अल्टरनेटिव प्रपोजल्स की अब हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं बेटे। इसके लिए ईबीआईटी चाहिए होती है। अब देखिए अब आपको ईबीआईटी एक नहीं दी हुई, तीन दी हुई है। 12 लाख भी हो सकती है, 14 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है। 12 लाख होने की 20% संभावना, 14 लाख होने की 60% और 15 लाख होने की 20%। तो बेटे मैं यही तो नोट वन लिखवाया था। आइए हम एक बार इसका एक वर्किंग नोट बना डालें। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। बेटे एक्सपेक्टेड ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी। स्टेट ऑफ इकोनॉमी प्रोबेबिलिटी ईबीआईटी एक्स मान लेते हैं और इसको बोलते हैं जी पी एक्स। बेटे आराम से 0.2, 0.6, 0.2 सिग्मा पी इज इक्वल टू 1। बेटे 12 लाख, बेटे 14 लाख और बेटे 15 लाख। आराम से 12 भी हो सकती है, 14 लाख भी हो सकती है और 15 लाख भी हो सकती है। ठीक है जी, तो 12 लाख होने की संभावना 20% है, 14 लाख होने की संभावना 60% है और 15 लाख होने की संभावना 20% है। बेटे ये आ गया जी 13,80,000। आराम से टोटल कर लीजिए सिग्मा पी एक्स 13,80,000 13,80,000 सिग्मा पी एक्स 13,80,000। आराम से बेटे इस क्वेश्चन में खूबसूरती यही थी कि आपको ईबीआईटी एक नहीं दी थी, भविष्य की दी थी और वो निश्चित नहीं थी, तो उसको आपने क्या किया एक्सपेक्टेड में निश्चित निकाल लिया। तो 13,80,000 मैंने यहां पे लिखा जी 13,80,000 लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्स ईएटी और प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ईपीएस इंटरेस्ट देखिए जी 4 लाख के ऊपर 11% और 16 लाख के ऊपर 12%। तो 4 लाख इंटू 11% और 16 लाख इंटू 12% ये टोटल कर दिया जी 2,36,000। दोबारा निकाल लीजिए 4 लाख का 11% और 16 लाख का 12% ये आ गया जी 2,36,000। एक एक स्टेटमेंट एक एक प्रपोजल करना है 2,36,000 13,80,000
माइनस 2,36,000, तो ये आ गया जी 11,44,000, 11,44,000, 11,44,000, 11,44,000, टैक्स रेट बेटे 50% दिया है, इनटू 50%, ये आ गया जी 5,72,000, बैलेंसिंग में आ गया जी 5,72,000। अब आ जाइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, 1,00,000 पुराने और नए 2,00,000 है, तो टोटल कितने हो गए बेटे 3,00,000। पांच लाख 72,000 अपॉन 3,00,000 इज इक्वल टू 1.90 रुपया बेटे, बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लीजिए, ये देख लीजिए कैलकुलेटर से क्या है, 1.90 रुपए 66 66, तो उसको 1.91 ले लिया। प्रपोजल 1 आपके सामने कंप्लीट कर दिया जी, एक मिनट दे रहा हूं, आप प्रपोजल 2 भी कर लीजिए, इजी है, पहले आप कीजिए फिर मैं करूंगा। कर लीजिए प्लीज, एक मिनट दे रहा हूं। याद है बेटे ईपीएस कर लिया बेटे, दूसरा उसमें चेक करिए इंटरेस्ट कितना है, 11% बेटे, पुराना 4,00,000 का 11% और फिर 4,00,000 का 11% नया, याद है बेटे 88,000 88,000 ये लिख दिया जी मैंने 88। ये आ गया बेटे 12,92,000
नोवेडे टैक्स, टैक्स में आ जाइए बेटे। ₹12,92,000 × 50% ₹6,46,000 आ बेटे, तो 6,46,000 यहाँ आ गया। अब मैं आ गया जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, तो देख लीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बेटे, 1,00,000 और 4,00,000, 5,00,000 है बेटे। तो 5,00,000 यहां लिख दिया। आइए जी 6,46,000 डिवाइडेड बाय 5,00,000, ये आ गया जी 1.29। मैंने 25 लिखा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट पार्ट का मैंने आंसर 259 आ रहा, वैसे मैंने 5 लिखा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब पहला पार्ट तो मैंने कर लिया, कैलकुलेट ईपीएस अंडर टू प्लान्स। दूसरा पार्ट है रिकमेंड द बेस्ट प्लान फॉर द कंपनी एट एक्सपेक्टेड लेवल। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, बेस्ट तो वही होगा जहां पर ईपीएस ज्यादा आ रही है। तो लिखिए रोमन टू में, मतलब सेकंड पार्ट है इसका, जो हमारी रिकमेंडेशन होती है, स्टेप थ्री होता है, जो रिकमेंडेशन द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट। The management may be advised to accept. The proposal having higher EPS. That is to issue 2,00,000 equity shares, to issue 2,00,000 equity shares at the rate of ₹4 and 12% debt, and 12% debt of ₹16,00,000 और 12% debt बेटे 16,00,000 का, बेटे 16,00,000 का। ये आपके सामने मैंने प्रिपेयर कर दिया है। अब लास्ट पार्ट इस पार्ट क्वेश्चन का देख रहे हैं, कैलकुलेट ईपीएस इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इकोनॉमिक चेंजेस 2.9। ठीक है बेटे, पहले गुड इकोनॉमी की प्रोबेबिलिटी 0.2 दी हुई है, चेक कर लीजिए। वो कहते हैं मान लो कि ये 0.9 हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज, पहले एवरेज की 0.6 दी हुई है, वो कहते हैं मान लो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 हो जाए, 0.9 हो जाए और 0.05 हो जाए। ठीक है जी, अब पुअर की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, उसने दी नहीं है, फिर वो कहता है जी बताओ क्या आपकी डिसीजन चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक बच्चा टेंशन में आ गया, उसने कहा जी पुअर की तो प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। हाँ बेटे नहीं है, कोई बात ही नहीं, आप बताइए, मुझे एक बात बताइए, नोट वन में लिखिए पहले तो, वी नो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है, ये बात हमें मालूम है। भगवान कृष्ण का एको हम द्वितीय न अस्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटे 1 होता है, ये बात तो हमें मालूम है।
तो अब आप बताइए, जब मुझे पता है टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है और मुझे यहां पर गिवन है एक तो पुअर, एक एवरेज और एक गुड, जरा चेक करिए जी, जरा चेक करिए, चेक करिए, गुड की 0.9 है, एवरेज की 0.05 है और मुझे पता है टोटल 1 है, तो बेटे 1 माइनस 0.9 माइनस 0.05 ये आएगा बेटे 0.05, आराम से कर लीजिए। तो बेटे पुअर की प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर दी। तो नोट 1 बड़ा ही कीमती नोट है, आपको अगर ये नहीं पता कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो आप ये पार्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस पार्ट को पढ़ें और करें, तो मैं आगे चलूंगा। स्टेटमेंट शोइंग, थर्ड पार्ट कर रहा हूं जी, मेन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, प्लान 1 प्लान 2। ईबीआईटी बेटे, ईबीआईटी तो फिर आप निकालनी पड़ेगी ना, तो बोला बनाइए वर्किंग नोट 3, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। बेटा ये लिखा मैंने स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी और ये लिखा मैंने ईबीआईटी और ये लिखा मैंने एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। बेटे पुअर, बेटे एवरेज, बेटे गुड 0.2, 0.6, 0.2 नहीं लिखेंगे बेटे, प्रोबेबिलिटीज चेंज हो गई ना, अभी तो बताया था। तो देखिए गुड की है 0.9, तो चलिए जी गुड की 0.9 है, इसकी 0.05 है और इसकी भी 0.05 है और टोटल है बेटे 1, आराम से। ईबीआईटी बेटे यहां पर 12 लाख है, इधर 14 लाख है और इधर 15 लाख है, देख लीजिए। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं जी 12 लाख इंटू 0.05 मेमोरी प्लस 14 लाख इंटू 0.05 मेमोरी प्लस 15 लाख इंटू 0.9 मेमोरी प्लस, अच्छा बेटे मैंने गलती से दूसरा बटन प्रेस हो गया, कोई बात नहीं, 12 लाख इंटू 0.05 ये आ गया बेटे 60,000। फिर 14 लाख इंटू 0.05 ये आ गया बेटे 70,000 और फिर 15 लाख इंटू 0.9 ये आ गया बेटे 13,50,000, ये टोटल कर दीजिए। कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास में नया लेकर आऊंगा बेटे, ये खराब से ही हो गया, एक तो बहुत समय लगाता है और कुछ ठीक भी नहीं आ रहा। 14,80,000 बेटे, 14,80,000 सिग्मा पी एक्स, तो सिग्मा पी एक्स 14,80,000 अपॉन सिग्मा पी, ये आ गया बेटे 14,80,000।
14,80,000। अब लिख दीजिए जी, 14,80,000 यहां लिख दीजिए और 14,80,000 यहां लिख दीजिए, लेस इंटरेस्ट, लेस टैक्स, ये आ गया बेटे इक्विटी शेयर्स और बेटे ईपीएस। देखिए पहले क्लास से ही, पहले लेक्चर से ही मैं सेम कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, इंटरेस्ट। अब निकाल लीजिए बेटे, इंटरेस्ट तो वही होगा 236,88, 236 क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ ना, 236 और 88, तो 14,80,000 में से 236,000 लेस कर दीजिए, आ गया जी 12,44,000 इंटू 50%, 6,22,000 बेटा, ये 6,22 आ गया। और बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3,05,000, ठीक है जी, तो 3,00,000 यहां पर है और 5,00,000 इधर है, ये आ गया जी 13,92,000, 6,96,000, ये आ गया जी 6,96,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,00,000 है बेटे, बेटे बिल्कुल ठीक आ रहा है, मेरा आ रहा है बेटे 1.39 और इसका आ रहा है बेटे 6/22/3,00,000 इज इक्वल टू 2.07। देख लीजिए आपके सामने सारा किया, अभी दो ही क्वेश्चंस किए हैं जबकि एक घंटा होने वाला है, क्लास शुरू किया है। कोई बात नहीं बेटे, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब मैं एक नया कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ और आप वो कंसेप्ट समझ लें जिससे कि मैं होमवर्क दूँ और फिर हम अगली क्लास में बाकी डाउट्स लें। आइए जी, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ तक लिख लें और अब बताएं क्या आपका प्लान चेंज हुआ, क्या आपकी रिकमेंडेशन चेंज हुई? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी भी वहीं पर ज्यादा आ रहा है जहां पहले आ रहा था। तो लिखिए द मैनेजमेंट, अब बच्चे जनरली ये रिकमेंडेशन नहीं लिखते, इसे नंबर नहीं आते, तो आप लिखे द मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू, टू एक्सेप्ट प्रपोजल वन, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू एक्सेप्ट प्रपोजल वन, दैट इज प्लान ए, इवन इफ देयर इज चेंज इन, इवन इफ देयर इज चेंज इन द प्रोबेबिलिटीज, इवन इफ देर इज चेंज इन प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज में चेंज होने के बावजूद भी आपको प्रपोजल वन ही करना चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर 8 क्वेश्चन कर दिया, मैं बाकी डाउट अगली क्लास में लूंगा। मैं चाहता हूँ एक नया कंसेप्ट आपको समझाऊ और वो आज का बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट नंबर 11 ब्रेक इवन पॉइंट, फिर मैं डाउट लूंगा आपकी। तो आइए जी, कंसेप्ट नंबर 11 एक बार आप लिख लें, एक बार लिखें कंसेप्ट नंबर 11, सभी लिखेंगे जी, कसम होगी अगर ना लिखा तो, सभी ने लिखना है कंसेप्ट नंबर 11 ब्रेक इवन पॉइंट, आज का लास्ट कंसेप्ट है,
इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे और बस कंप्लीट, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स लूंगा लेक्चर नंबर 5 में। आज आप ब्रेक इवन पॉइंट लिख लें, द पॉइंट बेटे, वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दी। द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इज नेम्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन। आराम से लिख लें, there can be two break-even points, operating break-even point and financial break-even point. The point where